पंचकुला सेक्टर 16 स्थित बुडनपुर के सरकारी स्कूल के बच्चे कड़कती ठंड में बोरियों व फटी टाट पर बैठने को मजबूर। बैठने के लिए बच्चों के पास बेंच तक नहीं है। कड़कती ठंड में कुछ बच्चे जहां फर्श पर बैठने को मजबूर तो कुछ बच्चे बोरियों पर बैठे, तो वहीं कुछ बच्चों ने फटी हुई टाट को तोड़ मरोड़ कर बिछाया। हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दावों की पोल खोलती एक और वीडियो हुई कैमरे में कैद। जैसे ही दृश्यों को कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई, स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारी टीम के साथ की बदसलूकी। धमकी देते हुए प्रिंसिपल ने कहा, जो करना हो कर लेना, हम नहीं डरा करते। जो सुविधाएं हमने बच्चों को सारी दे रखी हैं। क्या कह रहे? जो करना हो कर दिया, हम नहीं डरा करते, हम नहीं डरा करते, जो सुविधाएं हमने सारी दे रखी हैं। हमारी टीम से कहा, बच्चे ठीक बैठे हैं, आप बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए स्कूल में आए हैं। प्रिंसिपल ने कहा, बोरी मिल गई और क्या, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने हमारी टीम से बदसलूकी करते हुए कहा, स्कूल को डिस्टर्ब मत करो, अपनी फोटो लें और चले जाएं। ये नीचे क्यों बैठे हैं बच्चे, ये बताओ आप? बच्चे हैं नीचे, नीचे बैठे हैं सारे। हाँ बैठे हैं, बैठे। आप चिल्ला क्यों रहे हो उतना? झूठ को बोल रहे हैं आप, चिल्ला क्यों रहे हो? स्कूल को डिस्टर्ब करने आए हो? देखो ये देखो बच्चे आपके कैसे बैठे हैं, आपके बच्चे कैसे बैठे हैं, देखो सही बैठे, मैट है प्रॉपर इनके पास? देखिए बैठ और क्या है। अच्छा ये मैट है, ये बोरी मिल गई और क्या, हम कस जिले हैं। वो देखो मैट, मैट देखो पीछे, देखो फिर पीछे ये मैट है। स्कूल को डिस्टर्ब मत कर, अपना फोटो लेके चलता, जो सुविधा है दे रखी है, हम लोग कर रहे हैं पे। जब हमारी टीम ने इस मामले को लेकर डीसी पंचकुला मुकेश कुमार आहूजा से बात की तो उनका कहना था कि मीडिया के माध्यम से यह मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच करवाई जाएगी और आज ही कार्रवाई की जाएगी। बेतुका बयान देने वाले अध्यापकों के खिलाफ भी बनती कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस बारे में पंचकुला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में बात की तो उन्होंने हमारी टीम से ही पहले शिकायत देने की बात कह दी। सर बच्चे बिल्कुल जमीन पर बैठे हैं, बताओगे शिकायत दो। बता दें हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग हर साल शिक्षा के लिए करोड़ रुपए का बजट पास करते हैं ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन कैमरे में कैद हुई यह तस्वीरें हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के दोनों की पोल खोलने के लिए काफी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों को नहीं मिलेगी तो भला इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का सपना कैसे पूरा होगा, कैसे पढ़ेगा हरियाणा, कैसे आगे बढ़ेगा हरियाणा और कैसे ये प्रदेश की जनता का हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा विश्वास। पंचकुला से तानिया रोहिला की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।